और अब महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन में कैसे काल बनकर कोरोना आया है ये हम आपको दिखाते हैं। मामले कितने हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, इससे ज्यादा नजर इस बात पर रखिए कि यहां पर मृत्यु दर अभी देश में सबसे ज्यादा है। अभी तक तो मध्य प्रदेश में इंदौर सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन नया हॉटस्पॉट बन गया है उज्जैन। महाकाल की नगरी में कोरोना काल बनकर घूम रहा है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां आंकड़े 3000 के पार पहुंच चुके हैं। इंदौर में 1681 कोरोना पीड़ित हैं और 81 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भोपाल में पीड़ितों का आंकड़ा 605 पहुंच चुका है, जबकि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन असल टेंशन तो उज्जैन में बढ़ रही है। यहां संक्रमितों की संख्या अभी 204 ही है, लेकिन मौत का आंकड़ा 42 हो चुका है। उज्जैन के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे। चंद रोज पहले ही बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए और सख्ती भी बरती गई, लेकिन मौत की रफ्तार नहीं थम रही। लॉकडाउन पे फोकस हमारा बहुत ज्यादा रहेगा और अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से पास जारी हुए हैं, उन पे हम लोग एक बार पुनर्विचार करेंगे और लॉकडाउन को और सख्त बनाएंगे। मौत के आंकड़ों के मामले में उज्जैन कई राज्यों से आगे निकल चुका है। तमिलनाडु में कोरोना पीड़ितों की संख्या 4058 है, जबकि 33 की मौत हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 1717 पीड़ित हैं, 36 की जान जा चुकी है। बिहार में 536 पीड़ित हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 1451 संक्रमित हैं और 25 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं केरल में 502 लोग पीड़ित हैं और 4 की मौत हुई है। लेकिन उज्जैन के आंकड़े आपके सामने हैं। उज्जैन में अभी भी बड़ी संख्या में टेस्टिंग बाकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आंकड़े काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। महज 201 कोरोना मरीजों वाले उज्जैन में 42 लोगों की जान चले जाना वाकई गंभीर बात तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इनमें से 36 लोगों ने महज 21 दिनों में ही अपनी जान गंवा दी है। यानी आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि उज्जैन में कोरोना की वजह से मौतों का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।